गुड इवनिंग मित्रों, मेरा ये आज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ शब्दों में TION को सन पढ़ा जाता है और कुछ शब्दों में TION को चन पढ़ा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखिए। जैसे हम कुछ वर्ड देखते हैं कि ALICATION, इसे एप्लीकेशन पढ़ा जाता है, जिसमें TION को सन पढ़ा जाता है, जिसका मतलब होता है प्रार्थना पत्र। अब यदि हमें ये पता करना हो कि TION को इस जगह सन क्यों पढ़ा गया, तो TION से पहले हमारा एक वर्ड आ रहा है ई, जो कि वॉवेल है। अगर कोई वॉवेल TION से पहले आता है तो उसे हम सन पढ़ते हैं, और अगर TION से पहले वॉवेल नहीं आता है, कोई कंसोनेंट आता है, तो उसे चन पढ़ा जाता है। जैसे कि एक शब्द लेते हैं QUESTION, क्वेश्चन। क्वेश्चन इसका मतलब होता है प्रश्न। अब हम देख रहे हैं यहां TION से पहले जो वर्ड S है वो कंसोनेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि TION से पहले हमने देखा कि हमें एक वर्ड मिला जो S था, ये हमारा कंसोनेंट है और ये हमारा वॉवेल है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, और कुछ और भी वर्ड हैं उनके बारे में आप हमारे अगले लेक्चर में देख सकते हैं। धन्यवाद।